हमें तो फाजा जी के बरकत से होगा इलाही बकश, दवा दारू से कुछ नहीं होना। हाँ सही कह रहे हो साहब। चलो इसी बार हमारा भी दर्शन हो जाएगा, वहाँ पे बड़े बड़े लोग आएंगे, पैसे मिल जाएंगे। तुम्हारी फैमिली पोस्टिंग का सैंक्शन आ गया कि नहीं आया? कौन से स्टेशन के लिए अप्लाई किया है? मेरी बीवी को मद्रास अच्छा लगता है। तुम मैरिड ऑफ के लिए तो एक ही जगह 2-3 साल की पोस्टिंग हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। मैं तो खैर बैचलर हूँ। वैसे कैसी है तुम्हारी मिसेज, बच्चे बच्चे हुए? नहीं, हो जाएंगे। 3-4 दिन का सफर है यहाँ से आसाम तक, आराम से सोते हुए जाना। मुझे लंबा सफर अच्छा लगता है। सफर में तरह तरह के लोगों से मिलने का चांस होता है। कहते हैं जिंदगी भी एक सफर है, लेकिन सफर में भी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं का अनुभव होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं कन्याकुमारी से जम्मू जा रहा था तो रास्ते में ही एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया। स्मृति से लेडी डॉक्टर भी साथ सफर कर रही थी, फिर एक बूढ़े स्वामी जो पहले आजाद हिंद फौज में थे, वो मरने के पहले हिमालय देखना चाहते थे। एक भले आदमी को 2 गुंडों ने जबरदस्ती उतार लिया गाड़ी से। अच्छा? हाँ, इस दौरान लगा कि ये लोग मेरे करीब आ गए हैं, लेकिन फिर वो अजनबी हो गए। लेकिन फिर भी ये लोग हमेशा के लिए याद का एक हिस्सा तो बन ही गए। हर आदमी को कहीं ना कहीं पहुंचना होता है, हर आदमी की अपनी एक मंजिल होती है। केमू तुम ये बिस्तर ले लो, बॉक्स हम लोग उठा लेंगे। रुको रुको, एक मिनट ठहरो, चलो उठाओ। इक्विपमेंट को ब्रेक वेन में बुक करा देना जी। यहाँ से जोधपुर तक अनरिजर्व में जाना है। जोधपुर से एमसीयू तुम्हारी बुकिंग करा रहे हैं, संभाल के रखना, गिरा दोगे तो टूट जाएगा जी। लेकिन गुवाहाटी स्टेशन पर तो कोई आएगा नहीं। हाँ, वहाँ पहुँचने पर तुम्हें ऑर्डर मिल जाएंगे। अरे जल्दी करना भाई, बैठो ना, बैठो, अरे बैठो, अरे जल्दी कीजो भाई। कफन पे अली अली हमारी तरह पत्थर की जाली काटने वाले कारीगर टके के 100 मिलते हैं। अरे अभी से अपनी चालाकी शुरू कर दी, आगरे तक जाते आते पता नहीं क्या गुल खिलाओगे। एक बार कह दिया है कि टिकट भरना हो तो मेरे साथ चलो, नहीं तो अपनी राह पकड़ लो। सीधे सीधे किराए के पैसे निकाल दो, नहीं तो हम सब वापस चले जाएंगे। तुम लोग क्या कहते हो? अरे किसकी बात पर चढ़ जाते हो, ये तो बात बात पर गुस्सा होता रहता है, इसकी क्यों सुनते हो? और इसे कौन सा परिवार पालना पड़ता है, अकेला है ना, किसी की परवाह तो है नहीं, साल भर तक का काम है, हम लोग क्यों छोड़ेंगे? कितने पैसे होते हैं आगरा तक के? 40 रुपए। हाँ ये लो मैडम,
हाँ I went to your hotel. They said that you are here, so I am also here. Madam, please, just a moment. Your friends are ready. Shukriya. How much is the bill? Bill? No bill. What do you talk about? No. It is just free. It is present from my side to you. No, no. You must let me pay. No, no, no bill, madam, please. You keep your purse in your pocket, please. I will carry your luggage, madam. Here, let me carry that. Mujhe dijiye. Oh, you look so sweet when you speak Hindi, really. But I will carry your luggage. When I am with you, how can you carry your luggage? Tell me. But I don't need you to carry my luggage, please. I know, but it is my pleasure, na. You please come with me. I will tell you something. Have you seen that fort? Jaisalmer fort? Isn't it very nice? I will show you one fort in Jaipur also. Please, sir. Let me clean this place for you. दो आदमी और हैं। कहाँ तक हैं? जोधपुर। इस बार क्या क्या है? सफेद माल और गर्दा। ठीक है, तुम जाओ। Excuse me, मुझे प्रायोरिटी टेलीग्राम भेजना है आईजीपी जोधपुर के नाम। बोलिए, आपका क्या टेलीग्राम है? हमारे तीन दोस्त जैसलमेर त्रिपुरा एक्सप्रेस पर हैं, जोधपुर उतरेंगे, वहीं मिलिएगा। ठीक। रंजीत। ठीक। थैंक यू वेरी मच सर। नो इशू। मैडम, यू कम दिस साइड, लेट मी सी। अरे हटो यार, क्या बीच में आके खड़े हो गए। हटो, कम दिस साइड प्लीज। इट इज फुल। मैडम, यू कम दिस साइड, यू कीप योर लगेज नियर टू मी। या डोंट वरी, आई विल टॉक टू टीटी। या ओके। What do you mean, madam? I am coming with you, you don't know? You see, I can manage by myself. I don't need an escort. I know, but you see, young lady not travel alone in India, you know? Of course I do. Look, you've been very nice to me. You've gone out of your way to make my stay in Jaisalmer very comfortable. But now I have to move on. Main akeli jaungi. I know, but I will not let you go alone, madam. I will definitely find out a nice place for you. Why don't you sit here? No, no, please, I'm fine, please. Sure? Yes. You can use this bag as a cushion, madam. Please. Really? आप लोग जैसलमेर के रहने वाले हैं? हाँ, जैसलमेर से आगे अमर सागर गांव है, बटे खेतीबाड़ी कर। खेतीबाड़ी होती है यहाँ? चार साल तो सब बरसात नहीं हो रही है, खेतीबाड़ी होना सवाल ही को नहीं। गांव नो बचाने कर टावर और पेट पाला और मारो ही पाला। आपके तो प्रोग्राम वगैरह काफी होते होंगे ना? हाँ, होते ही है। मैंने सुना आपका गाना उधर स्टेशन पर। अरे साहब, आजकल कौन सुनता है? पहले तो पर्व त्योहारों पे बुलाते थे, शादी ब्याह पे भी बुलाते थे, मगर आजकल सब फिल्मी गानों के रिकॉर्ड बजाते हैं और इधर उधर से सरकारी बुलावे भी आते हैं। सरकारी बुलावे आते हैं जी, टूरिस्ट के लिए। हाँ सर, अंग्रेज लोग आते हैं तो कुछ पैसे मिल जाते हैं, मगर पुराने जमाने जो नहीं मिलते। अभी 5-10 रुपए जो मिलते हैं उसमें बच्चों का गुजारा होता है और हमारा गुजारा चलता है। और बीमारी आजकल के जमाने में ज्यादा होने लगी है। और फिर 5-10 जो कमाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं हमें दे दो, फिर हम बच्चों को क्या खिलाएं और डॉक्टर को क्या दें। आजकल के जमाने में ऐसी गरीबी हमारी है। आप लोग गाँव की? मैं केरला का रहने वाला हूँ। केरला की जगह? केरला साउथ में है, कन्याकुमारी के पास। आप गए नहीं दिल्ली? बेटा केरला री पार्टी आई थी। अच्छा अच्छा, प्रगति मैदान में। ठीक ठीक ठीक। कहाँ तक जा रहे हैं आप लोग? हम लोग सब अजमेर शरीफ जा रहे हैं। अजमेर शरीफ जी, प्रोग्राम है वहाँ पे? नहीं, प्रोग्राम नहीं है सर, इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो सब लोग जाते हैं वहाँ, तो हम भी जा रहे हैं कि इन सब के लिए कुछ दुआ मांगे वहाँ, तो सबके लिए फायदा हो जाए, तो हमारा भी कुछ फायदा हो जाए।
हाँ सर। बीमार हैं ये? हाँ सर बीमार हैं। आप कुछ गाएंगे? हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा गाते हैं आप। मेहरबानी है साहब। स्टेशन पर सुना था? हाँ सर। आप लोग हाजिरी भरनी है सर। और थोड़ा सफर भी कटेगा। जरूर जरूर सर। बजा बजा देखा तो नहीं है। मुझे तो दिखाई नहीं दिया। वो स्टेशन पर लीली जैकेट वाला लगता था मामा का आदमी है। अरे नहीं यार, उसे तो मैं जानता हूँ। पुराने माल को बेचने का धंधा करता है, टूरिस्टों को माल वाल बेचता रहता है। कितने का माल हो सकता है? सब ठीक ठाक रहा तो 2-3 लाख तो मिल ही जाएंगे। ओ एक्सक्यूज मी मैडम, थैंक यू। स्टेशन पर क्या करने वाले हैं? एक आदमी एक दरवाजे से उतरेगा, दूसरा दूसरे दरवाजे से। दोनों अलग अलग गाड़ियों में बैठकर ठिकाने पर जाएंगे। क्या तुम उन दोनों को एक साथ नहीं रख सकते? मुश्किल है। ठीक है, जोधपुर पहुंचने पर कोशिश करना,
के उन दोनों को एक साथ रख सकूं। What picture are you taking, madam? Only sand out there? I'm taking pictures of the desert. Why not taking picture of me, madam? I've already taken pictures of you. Take some more, madam. It is better than all the sand, you know. Oh, leave me alone. Please go away, Mr. Singh. Madam. It will be better if you go to first class. Yes, yes. They should try, madam. Thank you, mister. ये क्या थोड़ा पड़ गया। अरे किसी के पास है कुछ चम्मच वगैरह मुंह में डालने के लिए? मेरे पास तो चम्मच नहीं है। नहीं, ये लो, ये पेन डालो। ये डालो, पेन डालो मुंह में, मुंह खोलो, मुंह खोलो। मलता रहे, हाथ मलता रहे, मलता रहे। ऊपर ठीक से लिटाओ। अरे ऊपर ले, ये अक्सर होता है इनको। दो साल बैठ जाओ, बैठ जाओ आप। अरे बैठ जाओ, हट जाओ, बैठ जाओ। ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। दो सालों साहब है, पहले सब महीने में बहुत होता था, अब हफ्ते में दो चार बार हो जाता है साहब। बहुत इलाज कराया साहब, ठीक नहीं है, अब अल्लाह ही ठीक करेगा साहब। इसलिए तो अजमेर शरीफ ले जा रहे हैं इसको। मैंने तो दो तीन बार बताया साहब की दूसरी शादी कर ले, पर ये मानता ही नहीं है। तो मल मल मलता रहा। ये तो इंसानियत की बात नहीं है साहब। हाँ। और ये दूसरी शादी साहब, मेरे बच्चों की माँ है, दुख सुख में मेरा साथ देती है। और दूसरी शादी घर से कैसे निकल रही है? तो अल्लाह ने दिया, अल्लाह ठीक करेगा। घर से कैसे निकल? जरा आप लोग हवा ने दो थोड़ी। Excuse me, I wondered if it would be possible to change my seat to a first class ladies compartment. I'm sorry, ladies compartment is full. But I can do one thing, I can put you in the compartment with another lady, okay? Oh, good, thank you. Actually, मुझे भी एक टिकट चाहिए था, मैं मैडम के साथ ही। आपका रिजर्वेशन हो गया क्या? रिजर्वेशन तो नहीं हुआ है। टिकट है आपके पास? टिकट भी बना नहीं है, लेकिन मैं टिकट ले लूंगा। अच्छा ये बताइए, आगरा तक का कितना पैसा होगा? मैडम, दिस मैन इज विद यू? या नो, एंड आई डोंट वांट हिम टू ट्रैवल विद मी। ओके ओके, प्लीज भैया आप जाइए और जाकर टिकट लेकर आइए। जाइए, हमारा फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन है मिलिट्री कोटा से। नाम? गोपालन नायर। गोपालन, आपका इस कंपार्टमेंट में? ये वाला? जी हाँ जी। विच इज माय कंपार्टमेंट? यो दिस कंपार्टमेंट। ओह थैंक यू। या
उमर। हैनी है के नहीं रोन बेटा, नहीं रोन। हमने अपनी अमानत तुम्हें सौंप दी है, इसे संभाल कर रखना। अच्छा जीते रहो, जीते रहो। नहीं रोन बेटा, मत रो, रो मती। ए जी, आप तो नहीं खाते? आपका कुछ झगड़ा वगैरह हुआ था स्टेशन पर इनको? अरे नहीं, वो क्या नाम से, वो कुछ सीआईडी वाले कुछ लोग कुछ गुंडों का पीछा कर रहे थे। उनमें से ससुरा एक गुंडा इनकी आड़ लेके भाग जाना चाहता था, और कुछ नहीं। कोई चोट वगैरह तो नहीं आई? नहीं नहीं, थोड़ी घबराई हुई है। मैंने कपड़ा बदलना है। अच्छा, एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड कैन यू गो आउट? जी। वो ये जरा कुछ ये कपड़े बदलना चाहती है। हाँ अच्छा।